आप भी हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में आए रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का पहला मैच आज खेला गया। इस मैच में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने तो अपने बल्ले से रनों की बारिश करते हुए विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया जिसके सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज तीनों ने अपने शानदार प्रदर्शन के जरिए श्रीलंका की टीम को चारों खाने चित कर दिया है, ये तो आपको बताएंगे। साथ में तीनों के तूफानी प्रदर्शन का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से कौन है भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से 20 रन के स्कोर पर 4 बड़े विकेट गिर गए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल 5 और शुभमन गिल 4 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी 8 और ऋषभ पंत भी 15 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। ऐसे में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना अर्धशतक ही नहीं बल्कि अपना शतक भी पूरा कर लिया और एक मजबूत लक्ष्य तक भारतीय टीम को पहुंचा दिया। इस दौरान रिंकू सिंह ने अपना खाता चौके के साथ खोला, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 2 रन लेकर अपना खाता खोला। इस बीच हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक छक्के के साथ शाही अंदाज में पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ से रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर कवर ड्राइव शॉट के जरिए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ अपना अर्धशतक ही नहीं बल्कि अपना अपना शतक भी पूरा किया था, जहां पर रिंकू सिंह शतक लगाने के बाद आउट हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या भी थोड़ी देर और बल्लेबाजी करते रहे और अपना विकेट दे बैठे। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंद पर 108 रन की पारी खेली। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने 8 चौके और 5 छक्के लगाए, तो दूसरी तरफ से रिंकू सिंह ने 54 गेंद पर 110 रन की पारी खेली, जहां पर रिंकू सिंह ने 12 चौके और 3 छक्के लगा दिए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को 20 ओवर के अंदर 230 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। हालांकि 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जैसे श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरी तो यहां चमत्कार हुआ। श्रीलंका की टीम के सामने पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने 3 बड़े विकेट ले लिए, जहाँ पर मोहम्मद सिराज ने कुशल मेंडिस को 2 रन पर LBW आउट किया और इसी ओवर में दिनेश चांदीमल को गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड किया और बल्लेबाज कुशल परेरा को 1 रन पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद समर विक्रम और कप्तान असलंका दोनों ने मिलकर अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच दोनों खिलाड़ियों को तूफानी पारी के बाद में मोहम्मद सिराज ने फिर से तहलका मचाया और इस बार उन्होंने और कप्तान असलंका को 48 रन पर बोल्ड कर दिया, जिसके चलते श्रीलंका मात्र 155 रन बना पाई। इस बीच मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर के अंदर मात्र 8 रन देते हुए 5 विकेट लिए और भारतीय टीम इस अभ्यास मैच को जीत गई, जिसको देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुशी महसूस करता रहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को टी20 सीरीज में जीत मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पाकिस्तान के मैच को पाकिस्तान से बाहर कराने के लिए PCB को दिया एक्स्ट्रा पैसे, तो भड़क उठे पाकिस्तान के दिग्गज। ICC और BCCI पर भड़ास निकालते हुए दे दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, ICC ने भारत पाकिस्तान के मैच को पाकिस्तान से बाहर आयोजित करने का ऐलान एक्स्ट्रा पैसे देकर कर दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भड़क गए हैं। इस बीच इंजमाम उल हक, वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार ICC के फैसले को लेकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफी ज्यादा बवाल फिलहाल मचा हुआ है, जहां पर फरवरी और मार्च 2025 में पाकिस्तान की धरती पर खेले जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर तलवार लटक चुकी है। जहां पर पाकिस्तान मेजबानी करने के लिए तैयार है, तो वहीं भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल के तहत ICC ने टूर्नामेंट करने का ऐलान कर दिया है, जहां पर भारत के सारे मैच किसी और देश में कराए जा सकते हैं और इस बात को मानने के लिए ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्स्ट्रा पैसे देकर मनाया है। ऐसे में इस खबर को सुनकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान दे दिया है।
जिसमें इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि आईसीसी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि आईसीसी को सोचना चाहिए वो किस तरीके से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के सामने आईसीसी की बिल्कुल भी नहीं चलती है। उनको पता था कि बीसीसीआई बिल्कुल भी नहीं मानेगा और अब इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल के तहत तैयार किया जा सकता है जो आईसीसी ने कर दिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बीसीसीआई को आईसीसी के बराबर कहा जाता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीसीसीआई के सामने आईसीसी ने अपनी बात रखी थी लेकिन आईसीसी को आखिरकार झुकना पड़ गया। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि आईसीसी ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मैच और भारतीय टीम के बाकी मैचों को पाकिस्तान की जगह किसी और देश में करने के लिए पाकिस्तान को ज्यादा पैसे देने का ऐलान किया है वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शांत करने के लिए अब इस समय आईसीसी ने जो कार्य कर दिया है मैं पूरी तरीके से वो गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी को एक बेहतरीन कमेटी तैयार करनी चाहिए और इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि अब पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो सकता है कि नहीं। ऐसे में किसी भी टीम के कहने से टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो आईसीसी ने आज किया है वो पूरी तरह से गलत है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि आईसीसी ने भारतीय टीम के मैच किसी और देश में करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसों का लालच दिया है वो बिल्कुल गलत है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से पैसों को लेकर क्यों पीछे हो जाता है और उन्हें इस समय पाकिस्तान की धरती पर चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए आईसीसी से लड़ना चाहिए था, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी को पैसे देकर उनका मुंह शांत कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कि पीसीबी को पैसे देने के साथ आईसीसी ने बता दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास में एक बेहतर कमेटी नहीं है और ये देश भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने में पूरी तरह से नाकामयाब रह सकता है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि आईसीसी ने भारतीय टीम के मैच किसी और देश में करने के लिए पीसीबी को पैसे दिए हैं। पीसीबी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस फैसले के लिए पैसे लिए हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब है, लेकिन उन्हें इस तरीके से अपनी शर्त को सभी के सामने रखना चाहिए था, ना कि पैसों को लेकर अपने मुंह को शांत करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आईसीसी को नुकसान होगा। ऐसे में उन्हें अब इसी का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन पीसीबी ने पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती कर ली है। मुझे लगता है कि आईसीसी को इस समय बीसीसीआई के गुलाम के तौर पर नियुक्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान का मैच चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर होना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने उठाया बड़ा कदम, भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान की टीम के लिए मैच को लेकर किया बड़ा फैसला। अब दोनों देश के बीच बिना किसी दिक्कत क्या होगा रोमांच मैच? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आईसीसी की वार्षिक मीटिंग के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों की बात को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ऐलान टूर्नामेंट को लेकर जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी ने क्या कुछ कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में इस पूरे मामले की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम को जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप को भारतीय टीम ने जून के महीने में अंत में अपने नाम किया था। ऐसे में भारतीय टीम के एक महीने चैंपियन बनने के बाद क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जहां पर फरवरी और मार्च 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान की धरती पर होने वाला है और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफी ज्यादा विवाद मचा हुआ है, जहां पर भारतीय टीम ने इस समय पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया है। हालांकि अब इस मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हाल ही में आईसीसी की मीटिंग हुई थी जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफी ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई। मीटिंग के तुरंत बाद आईसीसी ने बड़ा ऐलान करते हुए सभी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आईसीसी की मीटिंग के बाद आईसीसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पता चला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारतीय टीम के खेलने का आग्रह किया और इसके लिए बीसीसीआई से गुजारिश की थी, जहां पर बीसीसीआई ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत खेलने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे में आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के बीच इस मामले को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला कर दिया है, क्योंकि पीसीबी ने कुछ आईसीसी के ऊपर ही छोड़ दिया है। और इस बीच आईसीसी ने बड़ा गेम खेलते हुए बड़ा कदम उठाया है, जहां पर आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान दोनों की बात को नहीं माना है। इस बीच आईसीसी ने भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मजबूर किया है, साथ में पाकिस्तान को
अपनी जिद छोड़ने के लिए भी कहा है। ऐसे में अब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकता है। आईसीसी ने साफ तौर पर कहा है कि बीसीसीआई को भारतीय सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में हम किसी भी सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और हमारी कमेटी को लगता है